मेरा नाम मेजर जावेद मुआज है और मैं बारा बलूच का हूँ और मैंने अभी 78 साल उम्र हो गई है, 65-71 भी है, गोलियां भी लगी हुई है मुझे, लेकिन आज एक इंसान आपके पास आया है जो कि पाकिस्तान बनाने के लिए आया है और इसके पीछे अगर फिर गोली लगी तो मैं खाऊंगा। और ये आदमी एक सच्चा आदमी है और मेरा ये बहुत मेरे छोटे भाई के साथ पढ़ता था इस सिंध में और मैं इसको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। जब मैं पाकिस्तान के लिए पोलो खेलता था ये क्रिकेट में उस वक्त आया था और मैं उस वक्त से इसको वोट देता हूँ और अल्लाह इसको जिंदगी दे। हर जगह जाएंगे, गोली खाएंगे इसके पीछे और लड़ेंगे इसके पीछे। कौन बचाएगा पाकिस्तान? जी आप तो पहले से मतलब पूरी मेरा बाप मिलिट्री गुलवाज मिलिट्री क्रॉस कर्नल सईद, मेरा भाई SJ, मेरे सब खानदान फौज में था। मेरा एक क्वेश्चन है कि ये जैसे रजीम अभी चेंज हुई है, ये पहले भी ऐसे होती रही है अमेरिका की तरफ से? पहले भी कभी नहीं, अमेरिका हमेशा दखल देता है, हमेशा जो अपॉइंटमेंट लगती है ऊपर वो भी अमेरिका करता है, लेकिन आज बैंचोत कुछ नहीं कर सकता है। मेरे मुंह से कुछ और निकलने लगा था, अमेरिका के हम पिट्ठू नहीं है, हम भी पुराने फौजी हैं, जान दे देंगे अपने मुल्क के लिए, अमेरिका कोई चीज नहीं है हमारे लिए। देखेंगे, उनका प्रोग्राम ही ये था कि इधर इन बेगद्दारों को पकड़ के अपने डिस्फोल्ड करा के न्यूक्लियर के ऊपर ये चढ़े। जब तक हमारी फौज जिंदा है कोई मैली नजर से भी नहीं देख सकता न्यूक्लियर की तरफ। इंशाल्लाह मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। और इमरान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।